तो आज की हमारी इस क्लास में हम बातचीत कर आज की हम अपनी क्लास में बातचीत करने जा रहे हैं फॉर्मूले के। फॉर्मूले में हम बात करेंगे रैप फॉर्मूला की। आपको जब मैं डेट एंड टेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में समझाया था तो मैंने बताया था आपको एक रैप फॉर्मूला। क्या होता है रैप फॉर्मूला ये जानिए, सिंपल सी बात। जैसे मैंने यहाँ पे ए लिख दिया और मैंने यहाँ पे रैप का दिया और इसको इसको सिलेक्ट कर लिया बी ए बी थ्री को और यहाँ पे फाइव कर दिया तो ये फाइव टाइम रिपीट हो जाता है। मतलब कि किसी भी टेक्स्ट को आप लेते हैं और जितना बार अगर लिखेंगे उतना बार वो रिपीट कर देता है। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यूज इट, तो इसका बेनिफिट क्या है आपके ऑफिस के टाइम में। तो हम यहाँ पे कुछ नंबर्स देते हैं, कुछ नंबर्स हमने यहाँ पे आपके सामने दिया और इस नंबर्स पे जनरली हम लोग बार देखने के लिए या फिर इसको कंपेयर करने के लिए यहाँ पे बार चार्ट ले देते हैं जो कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल है। अब होता है क्या था कि 2003 या IBM सेंपरी वगैरह में ये फीचर्स नहीं होते थे। दूसरा, हम इसको कॉल नहीं कर सकते, मतलब कि अगर मान लीजिए हमने 85 को लिंक किया तो सिर्फ 85 दिखेगा, 85 का जो बार है वो बार नहीं दिखेगा किसी और सीट पे या किसी लोकेशन पे। सो हम बार अप्लाई नहीं करना चाहते, हम कुछ ऐसा अप्लाई करना चाहते हैं जिसको हम कहीं पे कॉल कर सके। तो यहाँ पे हम रैप फॉर्मूला देंगे और यहाँ हमने सिंबल दिया, ये सिंबल आपका इसके बगल में होता है, बैक स्पेस के बगल में होता है। और फिर हम यहाँ पे कॉमा 85 को ले लिया तो कुछ इस तरह से हो जाता है, भाई काफी बड़ा हो गया या फिर इस तरह का है। तो इसको एक कंटिन्यूस लाइन में जो कि ये आपका बार का जो लाइन होता है इस तरह के लाइन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर एक पॉइंट होता है ब्रिटैनिक बोल्ड, यहाँ पे ब्रिटैनिक बोल्ड का एक फॉन्ट होता है, ब्रिटैनिक बोल्ड का फॉन्ट अप्लाई करें। समझ जी, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? यस सर, अभी आ रही है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ब्रिटैनिक बोल्ड नाम का फॉन्ट अप्लाई किया तो इस तरह का लाइन में आ गया, लेकिन ये लाइन भी काफी बड़ा दिख रहा है। तो यहाँ जहाँ 85 था मैंने इसको एक पर्टिकुलर नंबर से 5 से डिवाइड कर दिया तो एक तरह से एक अच्छा वे में आ गया। अब इसको आप कहीं भी इजिली कॉल कर सकते हो, इस पे कलर अलग कलर चाहिए तो यहाँ पे आप एक कलर इसे मैं कर दिया तो ब्लैक कलर में इसका इस्तेमाल कर दिया। ओके, और क्या यूज हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें जैसे कि यहां पे 85 है, माइनस 90 है, इस तरह से माइनस प्लस दोनों में, तो कैसे करें? तो इसके लिए हमने यहां पे इफ कंडीशन लगाया कि इफ अगर ए लेस देन 0 है तो रैप फॉर्मूले के अंदर इसको इतना बार रिपीट करना है। देखिए इसको डिवाइड बाय हम 5 कर देते, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि यहां पे एरर आएगा, इसमें इसमें एरर आएगा क्योंकि रिपीट माइनस में नहीं चलता है। अगर इसको डिलीट आगे नीचे ड्रैग करें तो यहां एरर आएगा क्योंकि रिपीट माइनस में नहीं चलता है। तो इसलिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एवीएस का, या फिर आगे माइनस को सिंबल लगा दे तो भी चलेगा, एवीएस माइनस को प्लस और प्लस को प्लस ही लगता है तो ए उतना बार रिपीट हो जाएगा यहाँ पे। और सेम फॉर्मूला को हमने यहाँ पे उठाया और कॉपी कर दिया और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं,
ये जो लेस देन जीरो है इसको ग्रेटर देन जीरो कर देते हैं और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं और जाहिर सी बात है इसके ऊपर हम ब्रिटैनिक बोल्ड का फॉन्ट अप्लाई करेंगे। राइट और फिर इसको सिलेक्ट करते हैं, हम यहां से इसको लेते हैं और यहां से हम इसको लेते हैं। इसकी कलर रेड और इसकी कलर हम दे देते हैं ग्रीन। और अच्छा बनाना है तो सिलेक्ट करता हूं और हमारे पास ए होता है, ए दे दिया। फिर हम इसको नीचे कर देते हैं और ग्रिड लाइन में जाते हैं, यहाँ पे पेज लेआउट में ग्रिड लाइन व्यू है इसको अनचेक कर देते हैं और ज्यादा करना है तो इसको हम मर्ज करते हैं और जीरो यहाँ पे सॉरी माइनस ब्रैकेट में माइनस स्पेस जीरो ब्रैकेट में प्लस। ठीक है इसमें हम एक स्पेस देते हैं तो इसमें भी एक स्पेस देते हैं। आयास मंदे जय समझ जी पुनीत जी। सर मेरा तो नेट ही नहीं चल रहा है, चार बार बंद हो गए। अगर मैं वीडियो भेज दूंगा आपको। अतुल जी आपको समझ में आया? आया सर आया, वीडियो जरूर भेज देना, थोड़ा सा मतलब वो मिस हुआ। ठीक समझ में नहीं आया। ठीक है तो क्या समझ में नहीं आया आपको? सबसे पहले जानिए रैप फॉर्मूला करता है क्या है। रैप फॉर्मूला करता है क्या समझ में आया आपको? रैप फॉर्मूला किसी भी कैरेक्टर को जितना नंबर डालते उतना बार रिपीट करता है। हमने करेक्टर में इसको ले लिया और हमने बोला रैप्ट, इसको लेके किया बोला कि भाई फाइव टाइम रिपीट कर दिया, पांच बार रिपीट हो गया। लेकिन इस तरह का लाइनिंग में आया या दस बार रिपीट कर दिया, पंद्रह बार रिपीट कर दिया, इस तरह के लाइनिंग में आता है। इसके ऊपर अगर ब्रिटैनिक बोल्ड नाम का फॉन्ट इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, एक कंटिन्यूअस लाइन में हो जाता है। ओनली टेक्स्ट को वर्ड को करता है, वो सिंबल को भी हो सकता है, सिंबल में भी नहीं समझे क्या बोला आपने? ओनली वर्ड को कोई भी कुछ भी एनी करेक्टर, कुछ भी एनी करेक्टर, कुछ भी एनी करेक्टर, ये सिंबल ही ना सर क्या? इसमें अगर मैं ब्रिटैनिक बोल्ड का फॉन्ट अप्लाई करता हूं तो इस तरह का कंटिन्यूअस लाइन बन जाता है और उसी की लाइन की मदद से हम इस तरह का एक बार जो है क्रिएट कर देते हैं। अब बोलेंगे सर इस क्या फायदा है, इसमें तो हमारे पास ऑलरेडी है ना क्या? तो इसमें पहली प्रॉब्लम है कि आपका अपने हिसाब से वर्क नहीं करता है, मतलब कि कहीं पे कॉल नहीं कर सकते इसको आप। दूसरा प्रॉब्लम है कि मुझे इस पे अपने हिसाब का कलर देना है, जैसे मैं चाहता हूं कि भाई जहां जहां ग्रेटर देन 50 है वो कलर हो, उसका ग्रीन कलर हो जाए। तो इस पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग आराम से लगा सकते हैं। कैसे? हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे और न्यू रूल्स पे जाएंगे, यूज फॉर्मूला हम इसको सेलेक्ट करेंगे, बोलेंगे कि अगर एक ग्रेटर देन 50 है तो इसकी फॉन्ट कलर, क्योंकि ये फॉन्ट है ना इसलिए फॉन्ट कलर चेंज होगा, फॉन्ट कलर ग्रीन हो जाए। और ए टू को मैं यहां से हटाता हूं एंड ओके और फिर यहां से नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। तो मल्टीपल कलर इसमें हम डाल सकते हैं। समझ गए? अब समझ में आया सर आपको? अब इसी तरह से हमने यहाँ पे किया, हमने क्या किया, हमारे पास नंबर जो था वो माइनस और प्लस दोनों में था, तो हमने इस फॉर्मूले से बोला कि भाई अगर माइनस में हो मतलब लेस देन जीरो है तो इसके रैप का फॉर्मूला लगेगा।
और डिवाइड बाई फाइव हमने क्यों किया, क्योंकि अगर नंबर काफी जैसे मान लीजिए 85 है तो 85 तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो हर नंबर को हम 5 से डिवाइड कर दिए तो उसी के हिसाब से उसकी साइज डिफाइन हो जाएगी ना हमारी, समझे। तो इसलिए हमने माइनस 5 कर दिया और यहां पे हमने रैप फॉर्मूला लगाया और रैप फॉर्मूला की मदद से हमने क्या किया कि दोनों को दो तरफ कर दिया माइनस रूपला, जैसे ग्राफ में होता है ना हमारा। तो सिंपल सा हमने यहां पे लगाया कि भाई ये जीरो है तो रैप फॉर्मूला लगे, अदरवाइज ब्लैंक हो। अब इसमें एवीएस का क्या खेल है, क्योंकि अगर माइनस में नंबर हो तो रैप माइनस नंबर को माइनस को एक्सेप्ट करेगा नहीं, इसलिए यहां पे हम फॉर्मूला देते हैं एवीएस का। एवीएस क्या करता है, माइनस को प्लस में कर देता है और जो प्लस है तो ऑलरेडी प्लस ही रखेगा, तो माइनस को प्लस एंड प्लस को ऑलरेडी प्लस रखता है। समझना है आपको सर? आ गया। हेलो, आ गया सर विदाउट इसमें। अब इसको हम कहीं भी इजिली कॉल कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर लिया तो ये आ जाएगा, बस इसकी फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई कर दीजिए तो ऑटोमेटिक आपके यहाँ दिखेगा। तो आप कहीं भी इसको आगे चल के डैशबोर्ड या रिपोर्ट और ट्रांसमिशन में कॉल कर सकते हो। अब यहाँ पे एक अगला ऑप्शन आता है, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे मेरे पास कुछ इस तरह के नंबर्स हैं और ऐसे नंबर काफी ज्यादा है, या आपके रिपोर्ट्स में ज्यादातर देखेंगे मिलेगी, अगर टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे ना सर तो ज्यादातर आपको दिखने को मिलेगा। तो मुझे यहां पे करना है तो आपके इंसर्ट में एक ऑप्शन होता है ये रहा स्पार्क लाइन का, तो इसमें आप चाहते हैं कि लाइन चार्ट आ जाए तो क्लिक कीजिए, ये आपका लाइन चार्ट इस तरह से आ जाए। तो लाइन चार्ट किसके भी आपके, ये आपको जो ये है ना ये नंबर्स है उसके अकॉर्डिंग आएगा। उसी तरह से मुझे स्पार्क लाइन में मुझे लाइन नहीं चाहिए, मुझे लाइन भी चाहिए, तो यहां से आप इसको कॉलम कर सकते हैं, ये आप तरह से कॉलम आ जाएगा, ठीक है। एक विन लॉस होता है जब माइनस प्लस में हो तो उसका दिखाता है ऊपर नीचे करता है, तो ये आपका इस तरह का बन जाता है। तो स्पार्क लाइन समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आया क्या करता है हमारे लिए? मैं यहाँ पे 5 यहाँ पे 3 करता हूं तो देखिए बड़ा हो जाए। एक मिनट, इसको बड़ा करना होगा, ये छोटा क्यों दिख रहा है? ये 1 तीसरा की स्पार्क लाइन, हालांकि इसमें भी कुछ प्रॉब्लम होती है, इसको भी कॉल वगैरह रीड वगैरह और उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मुझे आप लोगों से क्या चाहिए कि ये चीज आप सेम रैप फॉर्मूला की मदद से सेम इसी तरह की चीजें बना के दें, क्योंकि रैप फॉर्मूला की दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, ठीक है। एक तीसरा एग्जाम्पल आपको करना है जस्ट लाइक स्पार्क लाइन, समझे। क्लियर सर? स्पार्क लाइन में देखिए यहाँ पे एक जो है 3 ही दिख रहा है, इसमें 8 सबसे बड़ा है, 8 को मैं 9 करूं तो और बड़ा, देखिए 4 करता हूं उसको, 4 करता हूं तो बड़ा हो जाता है। तो मुझे यहां पे जो है अपने हिसाब से चाहिए,
अपने हिसाब से चाहिए सर, तो स्पार्क लाइन में दिक्कत होती है, तो फॉर्मूले की मदद से आप लोग इसको बनाए, बन जाएगा सर आपको आपसे। समझ जी या जी सर, सर ट्राई करेंगे सर।